पहेली और उसके बच्चों को हमारे मोहल्ले वालों ने कुछ इस तरह छोड़ा जैसे मैं 12वीं कक्षा में 20 नंबर वाले प्रश्न छोड़कर आता था। पहेली हमारे मोहल्ले में आज से एक दो साल पहले की रह रही थी। इसने जब जब भी अपने बच्चों को भर दिया तब तब उनमें कोई ना कोई बच्चा किसी व्हीकल के नीचे आकर मरता गया। तो इसी कारण उनका पहेली को छोड़ने का यही मेन रीज़न था। उनको लग रहा था पहेली और उसके बच्चे एक तंग गली में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे। तो यह सारी चीज़ देखकर हमसे रहा नहीं गया, हम पहेली और उसके बच्चों को यहाँ गांव से परिवार के हॉस्पिटल में ले आए। और जब मैं 12वीं क्लास की परीक्षा देने गया था, जिस तरह मेरी मैडम मेरे सिर पर मंडराती रहती थी, उसी कदर पहेली अपने बच्चों के पास शुरू शुरू में तो मंडराती रहती थी। और अब जब इसको एक दो दिन यहाँ पर रहते हो गए हैं तो ये अपने बच्चों को छोड़कर हमारे पास अकेली अपना घूमने फिरने चली जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं गौ सेवा परिवार का हॉस्पिटल इसे क्यों बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को पता होगा जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हमारा गौ सेवा परिवार का हॉस्पिटल इन्हीं 2-3 महीनों में बन जाएगा। लेकिन हमने मानो यहाँ पर अभी पेशेंट पहले भर्ती करना शुरू भी कर दिया है। खैर, पहेली और उसके बच्चे यहाँ पर स्वस्थ और मस्त अपना जीवन आगे का व्यतीत करेंगे।